स्वागत है आप सभी का प्रश्नकाल के संघ में। नमस्कार, मैं हूँ प्रीति सिंह। मेरे साथ है हमारे संसदीय मामलों के संपादक अरविंद कुमार सिंह। राज्यसभा के 250वें सत्र में प्रश्नकाल की कार्रवाई के दौरान जो आतंकित प्रश्न यानी अनस्टार्ट क्वेश्चंस अलग अलग सांसद पूछ रहे हैं, उनकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और हम लोकहित और जनहित से जुड़े तमाम प्रश्नों को अपने अंक में हर बार शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं और जो पहला प्रश्न है आज वो है पूर्व सैनिकों के संबंध में रोजगार के आंकड़े को लेकर पूछा गया सवाल, जो कि प्रताप सिंह बाजवा जी ने पूछा। इसमें उत्तर क्या मिला है अरविंद जी, बताइए। बाजवा जी के जो सवाल का जवाब दिया है रक्षा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक जी ने, उन्होंने कहा कि क्या सवाल पूछा गया था कि क्या सरकार पूर्व सैनिकों के रोजगार के आंकड़े इकट्ठा करती है, अगर करती है तो उसका पूरा राज्यवार ब्यौरा क्या है और आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से रोजगार तलाशने वाले सैनिकों की संख्या कितनी है। ये सारे सवाल पूछे हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा सवाल पूछा है इन्होंने। तो उसका जो जवाब ये दिया है कि सरकार जो है जो रोजगार के लिए पूर्व सैनिकों के पंजीकरण आदि के आंकड़े हैं और अर्धवार्षिक आधार पर राज्य जो सैनिक बोर्ड हैं उनसे प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उनके प्लेसमेंट के आंकड़े को रखता है ना, और बेरोजगार पूर्व सैनिकों का कोई ब्यौरा नहीं रखा जाता, लेकिन फिर भी एक तंत्र बना हुआ है और उसके जरिए जो जानकारी दी जा रही प्रीति, उसमें कहा कि आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन उसके तहत सालाना 32,000 से लेकर के 37,000 तक पूर्व सैनिकों को हर साल रोजगार मिल रहा है, ये आंकड़ा दिया गया है। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो अनुरक्षित आंकड़ों से यह देखा गया है कि जो प्रयोक्ता संगठन हैं वो समूह गा और घा के पदों के बारे में पूर्व सैनिकों का जो अभ्यावेदन मिलता है उसमें वो निर्धारित आरक्षण के अनुरूप नहीं है, इसीलिए ये संगठनों को सलाह ये दी गई है कि जहाँ कमी है वहाँ इन मामलों की जांच करें और कमियों को दूर करने के लिए उपाय करें। तो कुल मिलाकर कि ये जो आंकड़े हैं प्रीति, ये बता रहे हैं कि पूर्व सैनिकों को रोजगार तो मिल रहा है लेकिन इनको और बढ़ाने की ज़रूरत है कुल मिलाकर के। अब एक दूसरा सवाल जो है जो AK सेल्वाराज जी का सवाल है कि भारत द्वारा हथियारों का आयात, कितने हथियार आयात हो रहे हैं, कोई आंकड़े वगैरह मांगे गए हैं प्रीति, क्या सरकार ने दिए वो आंकड़े? जी, जो सेल्वाराज जी ने सवाल, सेल्वाराज जी का जो प्रश्न है वो ये है कि क्या ये सच है कि भारत विश्व स्तर पर कुल हथियार और गोला बारूद का 14% आयात कर रहा था, जो कि चीन और पाकिस्तान द्वारा सामूहिक रूप से किए गए आयात से भी ज़्यादा था। फिर पूछा है क्या ये भी सच है कि 1992 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने एक योजना बनाई थी जिसके तहत हथियारों का 80% आयात और 20% निर्यात के तत्कालीन प्रचलन था उसको पलटा जाना था, और अगर हाँ तो कितना लक्ष्य प्राप्त किया सरकार ने? रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने इसका जवाब दिया। उन्होंने बताया है कि भारत द्वारा विश्व स्तर पर कुल हथियार और गोला बारूद का 14% आयात किया जाता है, जो कि चीन और पाकिस्तान दोनों द्वारा सामूहिक रूप से किए गए आयात से अधिक था। इसके संबंध में अगर देखें तो वो कह रहे हैं कि कोई आधिकारिक सूचना उपलब्ध नहीं है, क्योंकि कोई भी देश रक्षा उपकरणों के आयात के संबंध में आधिकारिक रूप से कोई सूचना प्रकट नहीं करता है, यानी ये रक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए कोई भी देश इस सूचना को इस तरह से आधिकारिक रूप से साझा नहीं कर सकता। एक तरह से कॉन्फिडेंशियल जानकारियां होती हैं जिन्हें इस तरह से ऑफिशियली साझा नहीं किया जाता, इसलिए यहाँ पर इसका सीधा सीधा उत्तर नहीं मिला है। आगे उन्होंने बताया है कि हम जान रहे हैं, क्योंकि ये लगातार ये बातें होती रही हैं इस सरकार के दौरान भी, कि रक्षा क्षेत्र में भी जो मेक इन इंडिया है उसको काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो उन्होंने ये बताया है कि 3 वर्षों में अगर हम बात करें, 2016-17 से लेकर 2018-19 तीन वित्तीय वर्षों के दौरान 149 पूंजीगत अधिग्रहण संविदाएँ दी गई। इनमें से भारतीय रक्षा सेनाओं के लिए जो रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए 91 संविदाएँ भारतीय विक्रेताओं को दी गई हैं, बाहर के विक्रेताओं को नहीं, 91 भारतीय विक्रेताओं को दी गई हैं, ये उत्तर बताया उन्होंने। और जो इन्होंने पूछा था कि यहाँ पर कि 1992 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने एक योजना बनाई थी जिसके तहत जो हथियारों का आयात था वो कम किया जाना था और निर्यात बढ़ाना था, तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कोई नीति घोषित नहीं की गई और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO भारतीय रक्षा सेनाओं के मामले में उनकी विशिष्ट आवश्यकता, जो भी आवश्यकता है उनको देखते हुए मिसाइलों, मानव रहित हवाई वाहनों, रडार, इलेक्ट्रिक युद्ध प्रणालियों, सोनारों, युद्धक वाहनों और जो युद्धक विमान हैं, सेंसर आदि तमाम ऐसे उपकरण हैं इस क्षेत्र में रणनीतिक, जटिल और संवेदनशील सुरक्षा प्रणालियों के डिज़ाइन और विकास के लिए काम करता है और ये सतत चलता रहता है। तो ये यहाँ पर उत्तर मिला है। अब हमारा अगला प्रश्न आ रहा है।